Hold me close till I get up. Time is barely on our side. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से गुरु गुरुगिन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं उसे सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगा। जी हाँ, तो अभी हाल ही में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया है टर्म एंड दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट शीट। जी हाँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि डेट शीट तो उस पर एक दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन डेट शीट को अपडेट किया गया है। जी हाँ, 9 तारीख को यानी कि कल डेट शीट को अपडेट किया गया है। तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ खोल के, और मैं आपको कुछ उसमें जो डिटेल्स हैं उन्हें भी बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको टाइप करनी है। इग्नू आप डालेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी ignu.ac.in वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप सभी को पता है। इग्नू पर आप क्लिक करिए तो पूरी डेट शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरा का पूरा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है गिरा, जैसे कि अब यहाँ पे मैं देख सकते हैं प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट शीट फॉर दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जोन में डाउनलोड वाले सेक्शन में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसे स्क्रॉल करते हैं और ये देखिए ये रहा डेट शीट फॉर दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन अपडेटेड ऑन 9 नवंबर 2019। तो यहाँ पे डेट शीट फॉर ऑल प्रोग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो फाइल है मीडिया फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी 5 नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली उस दिन गया था बट उससे अपडेशन चल रही थी इग्नू की तरफ से, तो यहाँ पर वो अपडेट हो गया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि आप एग्जामिनेशन में आप अपेयर करेंगे तो आपको किस किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उन सभी कोर्सेज़ के लिए वो वैलिड होना चाहिए, साथ ही जो भी आपने असाइनमेंट सबमिट किया है वो पूरी तरह से कम्प्लीट होना चाहिए और ड्यू डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए, ड्यू डेट से पहले की होनी चाहिए। साथ ही आपका जो टाइम है वो सब क्लियर होना चाहिए, आपने जो एग्ज़ाम फीस भरी है वो भी क्लियर होनी चाहिए, और अगर कोई और दिक्कत आती है तो उस स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, सभी आपके कोड लिखे हुए हैं, ACISE BCA BCOM सब यहाँ पे मेंशन है। तो जो आपकी डेट है एग्ज़ाम की वो आपकी 2/12/2019 से लेके कब तक है मैं से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये आपकी 30/12/2019 तक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पर्टिकुलर दी गई है कि अगर आपका BA बी प्रोग्राम में FST और BSHF 101 कोर्स है तो उसका डेट ना इवनिंग में होगा, जो पेपर होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 28/12/2019 और 9/12/2019। जी हाँ, और BSc और अदर प्रोग्राम्स है तो उसमें भी अगर आपका FST और BSHF है 101 तो उसका मॉर्निंग और इवनिंग में होगा। तो जो FST है वो 7/12/2019 सुबह होगा और जो BSHF 101 है उसका 17/12/2019 शाम में होगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है डेट शीट को लेके, और साथ ही आप इनमें से अपने सब्जेक्ट्स को आसानी से चुन सकते हैं और चुनने के बाद उसकी तैयारी करके टाइम पर अपने सेंटर पहुँच सकते हैं और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और कोई अगर आपको इसमें परेशानी आ रही है दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट डाउन करिए, कमेंट में आप हमसे पूछिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए वहाँ पे कमेंट कीजिए, कोई भी परेशानी आती है उसका हम आपको तुरंत रिजॉल्व देंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।